Hi friends, here we are presenting 1000 question series for UGC NET paper 1, आज उसका part 2 है. Slowly we are increasing the level of questions. So cope up करिएगा इसके साथ, preparation बहुत ही तगड़ा होगा, क्योंकि 1000 question अपने आप में sufficient होते हैं. शायद हम उसके आगे भी जाएं, but फिलहाल तो 1000 का ही target रखा है, और इसमें all 10 parts जो paper 1 के होते हैं, वो सारे पार्ट्स के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स आपको देंगे. तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट टू का पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. और पहला क्वेश्चन यहाँ, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एडुकेशन मींस गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स विच इज इंडेटेड टू, यानी ये किंडरगार्टन सिस्टम ये किन्होंने शुरू किया था, किसका ब्रेन चाइल्ड है ये. आपके ऑप्शन है डीवे, फोबेल, प्लेटो या फिर स्पेंसर. तो आप ट्राई कीजिए इसका क्या आंसर है. और हाँ, एक चीज यहाँ पर आपको शायद सरप्राइजिंग लग रहा हो कि ये 21st क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में पूरा किया है. पर अगेन टुडे वी आर गोइंग टू कवर 20 मोर क्वेश्चंस. सिमिलरली वी कीप ऑन गोइंग अप टिल वी रीच 1000 एंड मोर देन दैट. फाइन, सो व्हाट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आपने कोशिश किया क्या है. तो राइट आंसर है इसका बी, फोरबेल. थ्योरी क्या था इनका, आइए जरा सा वो भी समझ लेते हैं कि इनका थ्योरी था क्या. ये फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फोबेल इनका पूरा नाम था, और इन्हें शॉर्ट में फोबेल के नाम से आप जानते हैं. ये जर्मन एडुकेटर थे, ये जर्मनी के थे, हु इन्वेंटेड किंडरगार्टन सिस्टम. ओके, फोबेल कंसीडर्ड द होल चाइल्ड्स हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, इमोशनल वेलबींग, मेंटल एबिलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स आर स्पिरिचुअल aspects of development is important. तो इनका कहना था कि उस एज में, किंडरगार्टन वाले एज में, केजी वाले एज में ये सारे डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए वहां पर जो पैटर्न होगा पढ़ाई का वो स्पेसिफिक और स्पेशल होना चाहिए. यानी बच्चे का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक क्षमता, सोशल रिलेशनशिप्स एंड डेवलपमेंट के आध्यात्मिक पहलू, ये सब इंपॉर्टेंट है. तो ये किंडरगार्टन सिस्टम किसकी देन है वो याद रखिएगा, ये फोरबेल थी, एक जर्मन एडुकेटर थे. राइट, हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे अपने. क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड इफेक्टिवली बाय, क्लासरूम का डिसिप्लिन को इफेक्टिवली कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है. पहला, नोइंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विद स्टर्न हैंड. देखिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो मैंने बोला है कोई भी स्टर्न हैंड, एक ज्यादा मैंने मारना या स्टर्नली किसी बात को, स्टर्नली मतलब काफी जोर से, तो वो सारी चीजें सीधे सीधे आप डिनाई कर सकते हो, उस ऑप्शन पर आपको मार्क नहीं करना है. ये एक थंब रूल आप रख सकते हैं. सो पहला वाला तो नहीं होगा. सेकेंड, बाय पुटिंग ऑन फैंसी क्लोथ्स इन द क्लासरूम, स्ट्रेट अवे ये तो कैंसिल होता है. थर्ड वन, प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स. राइट, तो वहां जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए और उनके नीड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से. बिल्कुल ये सी ऑप्शन ही, ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये राइट आंसर होना चाहिए, एंड सी इज द राइट आंसर. राइट, सो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd. अ टीचर इन द क्लास इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, नो वे. अ डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, बिल्कुल नहीं. अ लीडर एंड गाइड टू द ग्रुप, ये ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है. वो गाइड है, वो लीड करेगा बट वो गाइड है, वो आपको गाइडेंस दे रहा है. राइट, सो टीचर इन द क्लास इज अ गाइड एंड लीडर ऑफ द ग्रुप. राइट, सो द आंसर ऑप्शन गोज हियर इज सी. फाइन, उम्मीद है आप इसको ध्यान से देखते होंगे, मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे, आपके एग्जाम आते आते तक कोशिश करेंगे हम कि कंप्लीट हो जाए पूरा सीरीज हमारा 1000+ सीरीज. उसके बाद तो फिर बिल्कुल गन दबाई और फटाफट आंसर कीजिएगा एग्जाम में. और यहां आता है हमारा द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच द स्कूल पर्सनल्स हैव बीन इंटरेस्टेड इज दैट. मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कूल के जो पर्सनल्स है उनको क्या इंटरेस्ट किया हुआ है. ऑप्शन वन देखिए, इट हार्मोनाइजेस द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ. पहला ऑप्शन ही इसका राइट है, यानी चाइल्ड का जो नीड है और जो हार्मोनाइज करना है सोसाइटी के हिसाब से अकॉर्डिंगली,
यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. सो इट हार्मोनाइजेस द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी का जो डिमांड है फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ चाइल्ड एंड सोसाइटी. सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. अब देखिए से इट मेक्स द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब. मेन पर्पस ये नहीं होता, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है टू गेट द जॉब. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल और कॉलेज कैन बी मेजर्ड थ्रू. सो एक स्कूल या कॉलेज की क्वालिटी एजुकेशन हो रहा है कि नहीं, उसका मेजरमेंट के लिए पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं. पहला, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल. बिल्कुल ये भी होना चाहिए, अगर स्कूल है तो खेलने के लिए प्लेग्राउंड है कि नहीं, राइट, प्रॉपर लैब है या नहीं. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, मैन पावर बिल्कुल होना चाहिए, सफिशियंट मैन पावर होना चाहिए, सफिशियंट टीचर्स होना चाहिए एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल भी तो होना ही चाहिए ना, एक हेड तो होगा तब तो वो पिरामिड बनेगा. सी पॉइंट, स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ये भी पैरामीटर होना चाहिए, राइट. तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव. सो क्वालिटी एजुकेशन इन ए स्कूल और कॉलेज कैन बी मेजर्ड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मैन पावर, टीचर एंड द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. सो डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ वी मूव टू द 26th क्वेश्चन. द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू द, सो बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू वॉट. सो ऑप्शन आर नीड ऑफ द चाइल्ड, ऑफकोर्स चाइल्ड को जो नीड है उसके हिसाब से, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, उतना एबल है कि नहीं कि हम कोई प्रोग्राम दे रहे हैं और उसके एबिलिटी के बियॉन्ड है तो वो भी बेकार हो जाएगा. सो सेकेंड भी राइट है. थर्ड देखिए, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. सो प्रोग्राम मस्ट बी मेड एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. उसके अकॉर्डिंगली आप कोई बात को यूं ऐसे स्ट्रेट अवे कहते हैं, और दूसरा अगर उसे कहानी के फॉर्म में अच्छा लगता है, उसे डिफरेंट गैजेट्स यूज करके अगर मैं ज्यादा समझा पाऊं उसे, सो उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस तरीके से वो बेहतर समझ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. सो ऑल ऑफ दीज शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू 27th क्वेश्चन. एन इफेक्टिव टीचर एडॉप्ट द नॉर्म्स ऑफ, किस चीज का नॉर्म, इफेक्टिव टीचर एडॉप्ट द नॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लेसेस फेयर सोसाइटी, ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अब ये थोड़ा सा पास पास का, या हो सकता है आप एक वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो, जैसे लाइसेंस फेयर सोसाइटी क्या होता है. ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट इंटरफेयरिंग, यानी वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं विदाउट इंटरफेयरिंग. जैसे अ पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग, ये ठीक नहीं है. सो इफेक्टिव टीचर क्या अडॉप्ट करेगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी कि बच्चे भी बोल पाए, इतनी उनको फ्रीडम हो, इतना वो हिम्मत कर सके, क्योंकि हिम्मत ही बहुत जरूरी चीज है. आप इस तरह की अपनी पर्सनैलिटी ना रखें कि बच्चे आपसे बोल ना पाए. सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हियर शुड बी द राइट आंसर. सो लेट्स सी, ओके, ए इज द राइट आंसर. नाउ कम्स द 28th क्वेश्चन. द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का सही मतलब क्या है. सही मतलब है इनकल्केशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज गेन करना सिर्फ, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर में बिहेवियरल चेंज एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड फ्यूचर, वो जरूरी है. थर्ड ऑप्शन पर्सनल एडजस्टमेंट, फोर्थ ऑप्शन एक्विजिशन ऑफ स्किल्स. यहां पर बेस्ट आंसर यहां पे होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. जो आपका बिहेवियर पहले से है उसमें क्या मॉडिफिकेशन लाते हो, दिस इज द मोस्ट appropriate मीनिंग ऑफ लर्निंग. आप लर्न जब करते हो, आप जब पढ़े लिखे होते हो, तो आपने बिहेवियरल चेंज आता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 29th. ओके, बी इज द आंसर हियर. सो 29th आंसर यहां ऑब्वियस हो गया. अ टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम शुड क्या होना चाहिए, स्टार्ट टीचिंग विदाउट केयरिंग द स्टूडेंट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डेवलपिंग रैपिड विद द क्लासरूम. नाउ दिस इज अ रॉन्ग आंसर गिवन, इसे आप कैंसिल कर देंगे. मैं यहां कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आंसर राइट नहीं है. ओके, द राइट आंसर शुड बी बी, डेवलप रैपिड विद द क्लास, दिस शुड बी द राइट आंसर.
सो टीचर मीटिंग इज स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले अपना रैपो बनाइए, उनसे थोड़ी देर बात करेंगे वो, राइट उनको थोड़ा सा ईज एनवायरनमेंट में लाएंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे तो ये बेहतर होगा. सो अ टीचर मीटिंग स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम शुड डेवलप रैपो विद द क्लास, राइट. यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर बी होगा, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th. सो व्हाइल डीलिंग विद जुवेनाइल डेलिंक्विंट्स अ टीचर शुड, ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्विंस होता क्या है पहले वो समझ ले. अ यंग पर्सन हु हैबिचुअली कमिट्स क्रिमिनल एक्ट्स और ऑफेंस. तो वैसे भी जुवेनाइल होते हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं जो किसी को बुलिंग करेंगे या उनको मार पड़े मार मारने लगते हैं कुछ बच्चों को जो थोड़े से डोसाइल होते हैं, थोड़े हम्बल होते हैं उनको. तो वैसे व्हाइल डीलिंग विद जुवेनाइल डेलिक्विंस अ टीचर शुड नंबर वन प्ले देम विथ फिल्दी जोक्स, नो वे, टीचर भी उन्हीं के हिसाब से हो जाए ये ठीक नहीं है. नेक्स्ट टॉक विद देम फ्रेंकली एंड गाइड एंड चैनलाइज देयर पर्सनैलिटीज इन कंस्ट्रक्टिव वेज, दैट इज द राइट ऑप्शन. उनसे बात करें फ्रेंकली, उनको प्रॉपरली गाइड करें, उन्हें चैनलाइज करें और उनको कंस्ट्रक्टिव वेज में, कंस्ट्रक्टिव चीजों में उन्हें लाने की कोशिश करें. सी ऑप्शन नहीं होगा, कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट देम, इससे मसले का हल नहीं होता, ये सब फिल्मों में होता है. एक दो बदमाश होते हैं वो छेड़ते हैं किसी को, फिर प्रिंसिपल के पास जाते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है और नॉर्मली वो लड़के किसी जमींदार के बेटे होते हैं या किसी बहुत बड़े हस्ती के बेटे होते हैं और उसके बाद स्टोरी लाइन चलता है फिल्मों का, वो फिल्मों तक ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल को कंप्लेन करने से काम नहीं होगा. टीचर का पहला काम होगा कि वो फ्रेंकली बात करे उनसे, उनको गाइड करे, उनको चैनलाइज, उनके पोटेंशियल को उनको बताएं कि आप में तो ये गुण है जो शायद वो नहीं देख रहे हों, और पॉजिटिव चीज़ों की बजाय वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की बजाय वो डिसकंस्ट्रक्टिव चीज़ों में चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, राइट. सो 30th क्वेश्चन आंसर शुड बी बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 31st. इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ, तो टीचिंग मेनली क्या प्रोसेस में है. सो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आस्किंग क्वेश्चन एंड इवेलुएटिंग द लर्निंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल्स, और ये सही चीज है, उनको डायरेक्शन देना उनके एक्टिविटीज के लिए, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल्स, एंड दिस शुड बी द राइट आंसर. थर्ड हियरिंग द रिसाइटेशन ऑफ पीपल्स, अब जो बोल रहे हैं उनको रिसाइट कर रहे हैं जो उसे सुने, ये ठीक नहीं है. सो राइट आंसर शुड बी बी. 32nd क्वेश्चन, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट, टीचर से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये सारे काम करें बट ये ना करें, तो कौन सा वो है वो देखते हैं. पार्टिसिपेशन, पहला ऑप्शन देखिए, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज बिल्कुल राइट है. हेल्प पीपल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल टीचर को करना है. टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ये स्ट्रेट अवे यहां पर ऑब्वियस ऑप्शन है कि वो उनको नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल हस्ती नहीं होते हैं टीचर, उनको पॉलिटिक्स से बचना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव काम, दूसरे कंस्ट्रक्टिव कामों पर उन्हें लगना है कि कैसे मैं स्टूडेंट्स के, उनके पीपल के, उनके क्वालिटीज को कैसे डेवलप करें एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, राइट, एंड देयर फ्यूचर. स्पॉन्सर क्लब्स एंड अदर स्कूल अफेयर्स नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो बी ऑप्शन. क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूँ. अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. सो ये बाकी ऊपर ए बी एंड डी ये टीचर को ये कर सकते हैं बट पॉलिटिक्स में नहीं, राइट. नाउ 33rd क्वेश्चन, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास देन अ टीचर शुड, अगर आप लेक्चर ले रहे हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में तो आपको क्या करना चाहिए, आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बहुत शोर हो ना चुपचाप कुछ सेकेंड्स या मिनट एकदम क्वाइट आप हो जाइए, देखिएगा धीरे 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 क्लास का जो आवाज शोरगुल हो रहा था वो धीरे धीरे अपने आप को बंद हो जाता है. आप कॉमनली ऐसा देखते होंगे, आप अपने स्कूल डेज कॉलेज डेज की याद करें, कुछ टीचर तो जरूर होते थे जो इस नॉर्म को फॉलो करते थे. सो ऑप्शन ए देखिए, कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन गो ऑन, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाइए, राइट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 34th क्वेश्चन,
टेलीविजन इज सुपीरियर टू रेडियो एज टीचिंग एड बिकॉज क्यों? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, टेलीविजन ज्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए। नंबर टू देखिए, बी ऑप्शन इनवाइट्स टू सेंसेस। जब आप टीवी देखते हैं, देखिए रेडियो देखते हैं तो आप विजुअल सेंस नहीं काम कर रहा, यहां पे जब आप टीवी देखते हैं तो यू इनवाइट टू सेंसेस हियरिंग एंड विजन साइमल्टेनियसली लीडिंग टू मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और हम रिटेन करते हैं। आप सोच कर देखिए, मैं किसी के बारे में आपको बताऊं राइट, और साथ में दूसरा ऑप्शन है कि उसका मैं फोटो भी आपको दिखाऊं, क्या ज्यादा याद रहेगा? सिर्फ उसके बारे में सुनकर उतना याद नहीं होगा जितना कि मैं पिक दिखाऊं आपको और उसके साथ आप चीजों को देखें तो ज्यादा रिटेन करेंगे। इसलिए टेलीविजन में, क्योंकि दो सेंसेस लग जाते हैं, हियरिंग तो था ही, वो तो रेडियो में भी था, बट यह एक प्लस हो जाता है एंड दैट इज विजन एंड दैट्स व्हाई इट इज सुपीरियर टू रेडियो। फाइन, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक्स फ्रेज ऑफ ताबूला रासा मीन्स, ताबूला रासा इसका मतलब क्या है? जॉन लॉक का एक फ्रेज था राइट। देखिए ताबूला रासा एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है स्क्रैप टैबलेट, क्लीन स्लेट। तो आदमी का दिमाग जो होता है ना, वो पहले शुरू में एकदम क्लीन स्लेट होता है। अब उस पर क्या लिखते हैं, क्या इम्प्रिंट होता है, और ये कई फैक्टर उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे जॉन लॉक जो 17 सेंचुरी के थे, इन लॉक्स फिलोसफी ताबूला रासा वॉज द थ्योरी दैट एट बर्थ ह्यूमन माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट विदाउट रूल्स फॉर प्रोसेसिंग डाटा, और उसके बाद से हमारे जो एनवायरनमेंट है या और जो चीजें जो हमारे सामने आती है उसके अकॉर्डिंगली उस स्लेट पे चीजें लिखी जाती हैं। सो यहाँ पे जॉन लॉक्स फ्रेज ऑफ टैबुला रासा मीन्स क्या है? फ्री एडुकेशन नो, टैबलेट एंड रासा नो, माइंड इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन राइट। सो सी इज द राइट आंसर हियर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपको 36 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डेवलप रैपो विथ योर प्यूपल्स यू शुड गाइड देम, बिहेव विद देम इन अ डेमोक्रेटिक वे, हैव कम्युनिकेटिव एबिलिटी, यानी कि उनके साथ रैपो बनाने के लिए उनको प्रॉपर गाइड कीजिए, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकें, आप उनसे बात कर सकें ठीक है, हैव कम्युनिकेटिव एबिलिटी यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एज पर द रिक्वायरमेंट एब्सोल्युटली एप्ट होना चाहिए राइट। सो ऑल द अबव शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे ना, तो अगर थ्योरी पे बहुत कमांड नहीं भी है तो बहुत बेसिक आप लॉजिक लगा करके, सोच करके, कॉमन चीजें सोच करके आप ये सब आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस मोस्टली बड़े वाइड होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, बहुत क्लोज नहीं होते हैं, बहुत कम ही होंगे क्वेश्चन जहां बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं राइट। खैर हम लोग तो काफी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और 1000 bullets हम शुरू कर दिए चलाना, उम्मीद तो है कि सारे जो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के इसके रेंज में आ जाएगा। तो आइए हम 37 क्वेश्चन पर पहुंच गए। द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज इन द ऑर्डर ऑफ गाइडिंग चिल्ड्रेन, हेल्पिंग देम टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इवेल्युएशन, ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। सेकेंड देखिए, ऑप्शन देखिए आप खुद समझ जाएंगे, चेकिंग होमवर्क एंड असाइनिंग फ्यूचर टास्क। अब ये द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज इन द ऑर्डर ऑफ, मेन क्या, कौन सा ऑर्डर प्रॉपर है? सेकेंड ऑप्शन हो सकता है क्या कि होमवर्क को चेक करना और फिर अगला कोई टास्क दे देना, कि इस ऑर्डर में टीचर को काम शुरू करना चाहिए, या गाइडिंग चिल्ड्रन हेल्पिंग देम टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इवेल्युएशन। सो आंसर शुड बी ए राइट। नाउ द 38th क्वेश्चन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज, टीचिंग में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? देखिए इसका आंसर यहां आ गया है इसलिए आप कर लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट था भी नहीं। नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी होता है और ये तब ज्यादा पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ पीपल्स यू आर इंटरेक्टिंग विद, वो छोटा ब्लॉक को अगर आप कर रहे हैं तो उनके बैकग्राउंड के बारे में आप जानेंगे तो ज्यादा बढ़िया से, ज्यादा प्लान्ड वे में आप उस ग्रुप को पढ़ा सकते हैं और आपके लेक्चर का उन पर बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ द 39th क्वेश्चन, सपोज यू आर टीचिंग
in a minority college, fine, where casteism and narrow-mindedness victimize you. यानी कि जो लोग हैं वहाँ उनमें कास्टिज्म इतना भरा हुआ है, नैरो माइंडेडनेस है उनका, और इस तरह से आप विक्टिमाइज होते हैं. सो फॉर बेटर एडजस्टमेंट देयर यू शुड, आपको क्या करना चाहिए, राइट? पहला ऑप्शन देखिए, बी सबमिसिव देयर एंड सेव योर जॉब एट ऑल कॉस्ट. यानी जैसे हैं उसी के हिसाब से हो जाइए, झुक जाइए, करता कि किसी तरह अपने जॉब को बचा लीजिए. थोड़ा ध्यान देंगे ये ऑप्शन ऐसे भी हट जाएगा, राइट? सेकेंड देखिए, रिबेल अगेंस्ट सच एटीट्यूड्स. अब उनसे लड़ जाइए, एज इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, उनसे लड़ जाइए, ये भी ठीक नहीं है. कभी भी कोई भी आपका सिचुएशन आपके अगेंस्ट आता हो तो आपको यूं नहीं लगना है, आप डायरेक्ट उसको काउंटर नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच लेंगे, उसे आने दीजिए और सॉफ्टवेयर अप्रोच लेंगे, दैट इज द राइट वे. नाउ सी ऑप्शन देखिए, अपलिफ्ट द ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज बियॉन्ड दिस नैरो वॉल एंड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन योर स्टूडेंट्स. तो कोशिश कीजिए इस तरीके का ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए और डेवलप करने कोशिश कीजिए साइंटिफिक टेम्पर इन योर स्टूडेंट्स. सो ऑप्शन सी गोज विद इट, सो आंसर विल बी सी. नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन इन टुडेज 1000 क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 विच इज ऑल रिलेटेड विद टीचिंग एप्टीट्यूड. फाइन, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज, अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिसऑर्गेनाइज्ड होम, एक ऐसे घर से आ रहा है जिसके घर में ही ऑर्गेनाइज वे में लोग काम नहीं करते, विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी वे, उसको सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ होगा? सबसे ज्यादा मुश्किल बी ऑप्शन में है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टडी करना उसके लिए मुश्किल होगा. अगर उसे अकेले छोड़ दीजिए कि आप इंडिपेंडेंट पढ़ो, सिस्टमैटिक करो, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने ऐसा देखा ही नहीं है. इसलिए अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिसऑर्गेनाइज्ड होम will experience the greatest difficulty with independent study. Right? So that's all for today. Thank you so much.